आज वर्ल्ड स्ट्रोक दिवस के अवसर पर हम बात करेंगे कि स्ट्रोक क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है और स्ट्रोक होने पे उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो स्ट्रोक है जबकि आपके ब्रेन की किसी ब्लड वेसल के अंदर अचानक कोई थक्का आ जाए या क्लॉट आ जाए जिससे ब्रेन के किसी हिस्से की ब्लड सप्लाई कट जाए, बंद हो जाए, उस कंडीशन को हम कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक में जैसे ही किसी हिस्से के ब्लड सप्लाई कट हुई उस हिस्से की सेल्स मरना चालू हो जाती हैं, एक सेकंड के अंदर हजारों न्यूरॉन्स की डेथ होने लगती है और इन न्यूरॉन्स की डेथ होने को बचाने के लिए हम जो ड्रग थेरेपी देते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लॉट बस्टिंग ड्रग या थ्रोम्बोलिसिस। यह थ्रोम्बोलिसिस का जो प्रोसीजर है वो गोल्डन पीरियड के अंदर होना अत्यावश्यक है। तो ये गोल्डन पीरियड क्या है? गोल्डन पीरियड है 4.5 घंटे, किसी को भी स्ट्रोक के सिम्टम होते हैं तो 4.5 घंटे के अंदर भीतर इस दवा का मिलना अत्यावश्यक है और इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रोक सेंटर में पहुंचना निहायत ही जरूरी है। तो स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या हैं? हमने एक एक्रोनिम डिवाइस किया जिसको हम बोलते हैं रेस्क्यू, जहां पे R का मतलब है रिड्यूस पावर, E का मतलब है आई प्रॉब्लम, S का मतलब है स्पीच प्रॉब्लम, C यानी कंफ्यूजन, U अनस्टेडीनेस, E एक्सक्रूसिएटिंग हेडेक। यदि किसी को इनमें से एक भी सिम्टम अचानक होता है तो ये मान लीजिए कि उसको स्ट्रोक है और बिना समय व्यर्थ किए तुरंत अपने निकटतम स्ट्रोक सेंटर पर पहुंचना जरूरी है। स्ट्रोक सेंटर का क्या मतलब है कि ऐसा सेंटर जहां पे सीटी स्कैन की फैसिलिटी है, जहां पे ICU है, जहां पे एक न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल है, 24 घंटे न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल है जो कि बिना टाइम व्यर्थ किए तुरंत आपको क्लॉट बस्टिंग ड्रग दे सकता है। जितना जल्दी आप ड्रग मिलती है आपको उतने ही न्यूरॉन्स को बचाया जा सकता है, जितने न्यूरॉन्स बचेंगे उतना ही पॉसिबिलिटी है कि आपकी ब्रेन की रिकवरी कंप्लीट हो जाए। किन लोगों को स्ट्रोक होने का रिस्क है? जो मोटे हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो नित्य तंबाकू का सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हम कहते हैं कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस हिप सर्कमफ्रेंस से कम होनी चाहिए, आपको अल्कोहल का सेवन कम करना चाहिए, तंबाकू सिगरेट का सेवन बंद कर देना चाहिए एंड डायबिटीज को प्रॉपरली कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर को रेगुलर कंट्रोल करें, प्रॉपर डाइट को फॉलो करें और अपनी ब्लड प्रेशर की हाइपरटेंशन की दवाइयां नित्य रेगुलर लेते रहें। थैंक यू।